अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, पार्ट टू 56 लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करते हैं जी ईपीएस के एमसीक्यूज। ठीक है, ईपीएस का भी क्वेश्चन किया ना, चीज़ें जहन में है अभी कुछ, तो इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी एडजस्टेड, कहता किसको ज़रूरत नहीं है एडजस्ट करने की इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी पेज नंबर है भाई 587। कहता कौन सी ऐसी चीज़ है वो बताएं जिसे ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एडजस्ट होने की फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। इधर देखें भाई, इधर देखें, शाबाश, इधर भाई, इधर पैट, पैट को आप माइनस करते हैं, पैट में से माइनस कर देंगे आप डिविडेंड, कौन से वाला, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का। वो देखें फार्मूला लिखा, वो लिखा भी हुआ है उधर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का आप क्या कर देंगे, डिविडेंड माइनस डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, कहता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड, बिल्कुल सही बात है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है पैट के बाद, ये पैट के बाद वाली बातें हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो सही है। कहता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नहीं नहीं इसको तो करेंगे ना एडजस्ट पैट के बाद, आपके सामने किया है। कहता ऑर्डिनरी फाइनल डिविडेंड्स एंड टैरम, नहीं ये तो और तरफ बातें लेके चला गया ना, वो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में ये थोड़ी आते हैं, ये तो वो चेंजेस इन इक्विटी में आ रहे होंगे। और ठीक है, वो देखें उधर बेसिक ईपीएस का फार्मूला ये आपके सामने है ना, ए सही है। कहता जी मंशा अंकल लिमिटेड हैड 100,000 इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स हैं भाई, 1,00,000। कहता इन इशू ऑन 1 जैन 2007। जी कहता जी इसका मतलब है ओपनिंग शेयर्स की बातें कर रहे हैं, कितने हैं 1,00,000। कहता ऑन 1 जुलाई 2007 इट इशूड 20,000 न्यू शेयर्स, कहता नए शेयर्स इशू कर दिए कितने भाई 20,000 बाय वे ऑफ अ 1-for-5 बोनस इशू। कहता अच्छा एक तो ये हो गए, एक तो बोनस इशू आपने कर दिए। कहता उसके बाद 1 अक्टूबर 2007 में इट इशूड 28,000 न्यू शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस। अच्छा एक नोट लिखें अपने पास ज़रा, अभी फिलहाल नोट ही लिखना है, एक नोट लिखें, बोनस शेयर्स को कभी भी वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, बोनस शेयर्स को कभी भी वेटेड एवरेज नहीं करेंगे, यानी इस पे फैक्टर नहीं लगाएंगे 3/12, 7/12, 9/12। उसकी रीज़न पता क्या है, ये अर्निंग को बूस्ट करने में हेल्प नहीं देते। ठीक है, देखें ना हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं ना, ऐसे वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हैं हम, ये इधर मिसाल के तौर पे ओपनिंग में थे 10,000 शेयर्स। ठीक है जी, 1 जैन 2007 पे, फिर उसके बाद आपने 1 जुलाई 2007 पे बोनस शेयर्स इशू कर दिए, बोनस शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे कितने हैं, कहता जी 1/5। कहता अगर 5 शेयर्स है ना, तो जिसके पास 5 है उसको 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ गया 2,000। कहता इसको ना अब आप बस इसको वेटेड एवरेज अब करने की ज़रूरत नहीं है, कहता इसे वेटेड एवरेज ना करो फिलहाल, हाँ बस एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जहन में, असल में अर्निंग को बूस्ट करने में हेल्प नहीं मिलती, अर्निंग को बूस्ट करने में ये वाले शेयर्स हेल्प नहीं करते। ठीक है, ठीक है भाई, करेंगे क्वेश्चन में जैसे नॉर्मल क्वेश्चन चलाना है वैसे ही होगा क्वेश्चन, एम सी क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बस याद कर लें। अच्छा उसके बाद भाई कहता ऑन 1 अक्टूबर 2007 इट इशूड 28,000 न्यू शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस। अब इसको करेंगे, ठीक है इसको पार्ट बनाएंगे, भाई समझ रहे हैं बात क्या, नहीं समझ रहे। अच्छा अब बात सुननी आपने, कहता जी वॉट इज वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। अब ये जो आपके पास न्यू शेयर्स आए हैं 28,000 के, इन्होंने अर्निंग को बूस्ट करने में कितने महीने मदद की, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, इन्होंने
थ्री बाई ट्वेल्व इसको करेंगे हम, जिस तरह वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में करते हैं। एग्री करते हैं आप? ये देखें क्वेश्चन नंबर 19 कहता जी, बोनस शेयर इज नॉट टाइम अपोर्शन वाइल इशूड एट फुल मार्केट प्राइस इज टाइम अपोर्शन। कहता जो मार्केट प्राइस पे इशू किए गए हैं ना, इसको टाइम अपोर्शन करेंगे, यानी जो शेयर सादा अल्फाज में अर्निंग को बूस्ट करने में मदद दे रहे हैं। अच्छा, कहता है द टाइम द वेटेड एवरेज इज, वेटेड एवरेज अब लगा रहा है, कहता 1,20,000, 20,000 उसने अज्यूम कर लिए बोनस शेयर। आपको पता है ना हम इसको क्या अज्यूम करते हैं, कि पुराने सारे सालों में इसका इम्पैक्ट ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, ये 1,20,000 इसको 12 बाय 12 ही रखा उसने, प्लस जो नए शेयर इशू किए हैं ना 28,000, इसे 3 बाय 12 कर दिया उसने, ये 127,000 जवाब है इसका, ठीक है। बस ये एक पॉइंट छोटा सा याद रख लें, असल में इसके अंदर भी एक लॉजिक है ना, टाइम मिला तो समझाऊंगा इंशाल्लाह। अब इधर देखिएगा ज़रा, इसको आपने करना है 12 बाय 12, फिर उसके बाद नए शेयर्स कब आ गए, वेटेड एवरेज ज़रा बता दीजिएगा, वेटेड एवरेज बता दीजिएगा, इसका वेटेड एवरेज कितना आता है। इधर आपने किया ना नंबर ऑफ शेयर्स, इधर आपने इस्तेमाल कर ली फ्रैक्शन, इधर आ गया आपके पास वेटेड एवरेज शेयर्स, ठीक है। जी, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, इसमें भी एक लॉजिक है, इंशाल्लाह मौका मिला तो समझाऊंगा, ठीक है। बस एमसीक्यू इसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिएगा। जी भाई, जी, एमसीक्यूज में असल में ये ना, ये बोनस शेयर्स जो हैं, ये वाले जो बोनस शेयर्स हैं, ये अर्निंग को बूस्ट करने में हमें हेल्प नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुने, 1 अक्टूबर 17 पे न्यू शेयर इशू हो गए, क्या हो गए, वो कितने हैं न्यू शेयर्स बताइएगा। कहता जी इट इशूड 28,000, इधर एक 1 लाख ना कर लें, फिर 1 लाख ना कर लें, फिर ये 20,000 हो जाएंगे शायद, इधर 1,20,000 हो जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा जी, ये 1,20,000 हो गया। अच्छा, नए शेयर्स हैं 28,000, इसके इस पे फैक्टर कितना लगेगा, इस पे कोई फैक्टर नहीं लगेगा, पहले टोटल कर लें, क्या कर लें, ये न्यू शेयर्स फुल मार्केट प्राइस पे हो रहे हैं गुड्डू, सॉरी इधर 9 बाय 12 आएगा ना, तो ये मेरा ख्याल 1,27 बनते हैं, अगर गलती नहीं की हमने तो। जी तो हम एज्यूम करते हैं ना, बोनस शेयर हो गए, उसके बाद शेयर कंसोलिडेशन हो गया, शेयर सप्लिट हो गया, एज्यूम करते हैं जब से एंटिटी बनी है ये तब से इशू हुए हुए हैं, असल में ना इसका इम्पैक्ट इसके अंदर ही शामिल है, बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात याद रख लेनी है आपने, ठीक है। अच्छा भाई, इसका जवाब देखना, 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अच्छा, कहता जी एम एल इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान, सॉरी इसका जवाब लिख लें, एम एल इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। कहता ड्यूरिंग द, अच्छा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या, लिस्टेड होने का, ये लिस्टेड एंटिटी है, और आपको पता है ईपीएस जो है ये हमेशा ये एमसीक्यू आ सकता है। कहता जी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007 द कंपनी हैड 5 मिलियन ऑर्डनरी, सॉरी 5 मिलियन क्या है भैया, ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। कहता जी एंड 5,06% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और भाई 6% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और कहता ये हैं ₹10 पे इशू किए हुए। कहता द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर वाज 6 मिलियन। अब आपसे पूछता है बेसिक ईपीएस बता दें, तो देखें बड़ा आसान है बेसिक ईपीएस बताना, ये देखिएगा पैड कितना है भाई, एक्टिव होके बैठना है, एक्टिव होके बैठे, शाबाश जी। ये हार, ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं, बोल ही नहीं रहे आप लोग, जी बोलें शाबाश जी। पैड कितना है जी, मैं 1,000 में क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा जी, और कितने शेयर्स हैं, 5 मिलियन, ऐसे ही है। अच्छा, अब एक बात देखें, इसमें से आपने माइनस करना है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को, उनका डिविडेंड माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, इधर देखें वाला, ये 6% इसके साथ है, 6% क्या है, 5 लाख शेयर्स हैं, एक की अमाउंट कितनी है भैया, मल्टी, मैं 1,000 में कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, तो इसे आप करते हैं मल्टीप्लाई बाय 6%, ये कितना आएगा, 30,000। अच्छा, इस सारे को, ये सारा बना 30,000, ऐसे ही है, सिर्फ 30 लिख लें जी।
ये 6,000 - 30 डिवाइडेड बाई 5,000 कीजिएगा, कितना आएगा? जल्दी 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 बोल लें भाई, ये 6,000 कितना आएगा? 1.19 भाई, 1.14 होगा ना, 6,000 शेयर्स, सॉरी 6,000 पैट है, माइनस मैंने डिविडेंड कर दिया किसका? इरिडीमेबल का। भाई इधर देखें एक मिनट भाई, इधर देखें भाई, इधर सुने, कहता 5 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं, कितने हैं? 5 मिलियन, और भाई 5 लाख जो हैं ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 10 रुपये पे पड़े हुए हैं, यानी ये 5 मिलियन हो गए। 5 मिलियन, 5 मिलियन पे अगर आप 6% लगाओ कितना आएगा? अच्छा, 300 आ गया यार, इसको इस तरह कर लेना भाई, इस तरह कर लो, इस तरह कर लें भाई, इसे इस तरह करें, इसे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6% जी, बताएं कितना आता है? 300 आता है जी, आप बताओ कितना आ गया? 1.14 जी, ए जवाब है इसका। कहता व्हाट इज सिम्बा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर, मैं किसी से मैंने पूछना है ये, जब आप बताएंगे। हाँ जी, इब्तिसाम नहीं है क्लास में, इब्तिसाम बता दे रहा क्या जवाब है इसका, इब्तिसाम जल्दी कर। हाँ जी, इसका मेरी तरफ से जवाब ही है, हाँ मेरी तरफ से जवाब है, लाहौर ले जो, ऑलरेडी लाहौर है भाई। डेल्टा, वाह डेल्टा, बेटा समझाओ जरा, ये तो जबकि तो किताब में भी लिखा हुआ है ना डेल्टा। अच्छा चलें, आपकी जो माशाल्लाह सहाना था उससे हमें भी फायदा हो जाएगा जी, बताएं किस तरह आया जी? इसका सादा सा फार्मूला है भाई, पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जी। इसका कहता है जी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 2,000 2 मिलियन। अच्छा ये उसने शेयर कैपिटल बता दिया, जब शेयर कैपिटल बताते हैं ना फिर बोंगो की तरह क्या कहते हैं, आपने शेयर्स को दोबारा शेयर कैपिटल से फिर 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये इधर देखें, इधर एक दफा भाई नंबर ऑफ शेयर्स, इधर हो भाई, इधर नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू या पार वैल्यू बराबर होती है शेयर कैपिटल के, ठीक है? हमें असल में नंबर ऑफ शेयर्स दिए होते हैं और पार वैल्यू, ये मैंने फेस वैल्यू लिखा, फेयर वैल्यू ना समझ लेना इसे, ठीक है? आप फेयर वैल्यू, आप इसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल आएगा। अच्छा अब मेरे भाई शेयर कैपिटल 2 मिलियन का है, कितने का है? हमें क्या चाहिए? अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा 10 के साथ जी, कितने आ जाएंगे? 2 लाख। कहता प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है भाई, 5 लाख में से माइनस करें 125, फिर आएगा मेरे पास पैट, फिर मैं डिवाइड करूंगा 2 लाख से। देखें पेपर में बड़ा ध्यान से पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें। उसने हमें क्या दिया हुआ है? उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया, हमें लेस टैक्स करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा जी, कितना? ये है डी है जी इसका जी। 16 पे आए, कहता व्हाट फिगर फॉर द 2007 अर्निंग्स पर शेयर विल बी शोन एज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। लें सर जी, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब पिछले साल की बात कर रहा है, ये पढ़ के मुझे समझ आ रही है कुछ ना कुछ, रीस्टेटमेंट की बातें हैं। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। भाई हमने उल्टा कर देना फैक्टर, फैक्टर उल्टा करना है। इधर देखना, इधर इधर देखना, आपके साथ इधर एनालिसिस भी किया हुआ है, इधर इधर देखें भाई, बिफोर न्यू आफ्टर जी। कहता जी लिस्टेड एंटिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड इसकी हैं जी, ईपीएस शो कर रही है 8.5, ठीक है? अच्छा ऑन 1 जुलाई 2008 शाइस्ता लिमिटेड मेड अ 1 for 3 बोनस इशू, जिसके पास 3 शेयर्स है ना उसको 1 बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है? यानी इधर देखिएगा, इसका मतलब है पहले 3 थे फिर एक नया आया तो आफ्टर कितना बना? 4।
ठीक है, जब उसने सवाल पूछा पिछले साल की अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इधर देखिएगा, जब बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं ना तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दिया करें, डाइल्यूटेड में कभी कभी मसला आता है, वो हमने एक पीस ट्री वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है मसला। अच्छा, उसमें शेयर्स में कुछ छेड़खानी करते हैं हम, इधर देखिएगा, ये है जी पिछले साल की अर्निंग है 8.5 मल्टीप्लाई बाय, पूठा कर दें पूठा। अच्छा, मैंने ना आपको एक बड़ा सादा सा रूल बताया हुआ इसका, क्या भला, मैंने अर्ज ये की थी आपसे, ड्यूरिंग द ईयर अगर फैक्टर को पीछे लेके जाना है तो हम क्या करेंगे जी बताएं, नहीं वो तो है, पिछले साल में अगर रीशेड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, जो ज्यादा होगी ज्यादा को ऊपर कम को नीचे, ये वाला रूल ज्यादा बेहतर होता है वैसे, ज्यादा ऊपर कम नीचे, ठीक है। आप देख लें अभी राइट इशू जो हमने किया था, हमने 32 डिवाइड 8 किया था, उसमें तो फिर हमारा रूल आफ्टर बिफोर वाला फेल हो जाना था, उसमें तो आफ्टर और बिफोर वाला हमारा रूल, हाँ जी, फेल हो जाना था, ठीक है। इसलिए ये कर लें, जब हमारे वाले साल में फैक्टर को पीछे लेके जाना ना, हमारे वाले साल में ड्यूरिंग द ईयर, तो जो ज्यादा वो उसको आपने ऊपर करना है, जो कम है उसे नीचे, ठीक है। हाँ, रीस्टेट करते हुए हमने पूठा कर देना है उसे, पूठा करेंगे तो ये आ जाएगा भाई फायदे वाला काम, 3/4 आ जाएगा। रीस्टेट का मतलब है पिछले साल की अर्निंग्स पे फर्क, रीस्टेट का मतलब है पिछले साल की अर्निंग्स पे फर्क ना, ये बात समझे हैं, ओके है, नहीं तसल्ली नहीं हुई तो कोई मसला नहीं। टेस्ट नंबर 8 हमारे सामने है, ये देखें इधर, हमने जब वर्किंग की, सॉरी उधर देखें, उधर देखिएगा, मैंने 32/28 किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे वाला साल था ये, हाँ वैसे भी राइट इशू है, और अगर राइट इशू ना भी हो, अगर मैंने रीस्टेट करना होता तो राइट इशू की वजह से भी रीस्टेट होता है, कंपैरेटिव पे फर्क, फिर मैंने 28/32 करना था, रीस्टेट करते हो पिछले साल के अर्निंग्स पे फर्क कैसे लेना था, एग्री। चलें आप आए इधर, ओहो जी मेरे भाई, आप मुझे बता दें जरा, जब मैंने पूछा किया तो कितना अर्निंग्स कितनी आती हैं, 6 पॉइंट जी, ये तो कोई भी लग नहीं रही। अच्छा ये है ना, सी है, सी है, सी है भाई, सी है जी। कहता जी व्हाट इज द बेसिक ईपीएस, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। कहता जी एसएल लिस्टेड एंटिटी है, कहता ये एक्सट्रैक्ट दिए हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, एक्सट्रैक्ट है भाई। कहता पैट है 4.2 मिलियन, कहता जी एसएल पेड ड्यूरिंग द ईयर एन ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया है 4 लाख का, एंड डिविडेंड ऑन इट्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हमने सर में मारना है, अचार डालना है इसका, हमने रिडीमेबल का क्या करना, हमने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या करना जी, हमें तो इररिडीमेबल अगर दिया होता तो माइनस करते। कहता दीज हैव बीन करेक्टली अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसे कहो बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश, वेल डन। कहता एस एल हैज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ कितना, 2 मिलियन, यानी 2 लाख शेयर्स, 10 से डिवाइड करें। कहता थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरा साल इतना रहा, और ऑथोराइज शेयर कैपिटल को तो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन में, ये लिख लिखवाया हुआ है आपको, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इग्नोर होगा क्वेश्चन में, ठीक है। ऑथोराइज का मतलब होता है आपने अथॉरिटी से इजाजत ली है कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स और इतनी पार वैल्यू पे हम इशू कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल हमसे रेलिवेंट होता है, ये याद रखनी है बात। अच्छा भाई, अब मुझे बताएं अर्निंग्स कितनी है, पैट कितना है, दिस इज पैट जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बता दें, नंबर ऑफ शेयर्स बता दें जी, कितना आया, कितना, 200 आएगा, 4200, हाँ जी ठीक है, ओके ओके जी भाई, ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वेटेड एवरेज, तो ये देखे ना, ये 3 सिफर वो गए 1000 वाले, और द एक सिफर वैसे चला गया डिवाइड किया आपने जी। इधर बताएं भाई कितना आता है, बेसिक ईपीएस 21, बहुत अच्छी ईपीएस है यार। अच्छा जी, कहता पारिसा लिमिटेड इशू न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस एंड ऑल्सो मेड 1/8 बोनस इशू। कहता एक तो उसने फुल मार्केट प्राइस पे, एक तो उसने क्या कहते हैं मार्केट, फुल मार्केट प्राइस पे इशू किए शेयर्स, और दूसरा कहता जी बोनस इशू भी कर दिए, दो काम किए। कहता
आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IAS 33 अर्निंग पर शेयर? जी क्या लगे, मैं बताता हूँ तुम्हें, इधर आके बंद कर दो भाई, से इधर फोकस करें। कहता है न्यू शेयर इशू एट अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू वुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर टाइम ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जी बताएं, अभी बता के गया हूँ, बोनस इशू कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं करने, ये इधर अभी तो बता के गया हूँ, ये स्टेटमेंट सही है गलत है। कहता है न्यू शेयर इशू एज अ रिजल्ट ऑफ बोनस इशू शुड बी टाइम अपोर्शन, शुड बी टाइम अपोर्शन, नो 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 नो, ये स्टेटमेंट गलत है। कहता है न्यू शेयर इशू एट फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शन फ्रॉम देयर डेट ऑफ इशू। जी भाई ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। तो देखें कौन सी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू सही है, किसमें कह रहे हैं? स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड जी सी चार्ली शायद। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, इधर कहता ए में कहता बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, बी में कहता स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड टू, तो बी बनता है इसका। अच्छा बी बनता है भाई। जी कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू IAS 33 अर्निंग पर शेयर। कहता जी आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे आर नेगेटिव। भाई चाहे नेगेटिव हो, हमने बतानी बतानी है, चाहे नेगेटिव हमने बतानी, फॉल्स है भाई ये। अर्निंग पर शेयर अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन शुड बी प्रेजेंटेड। अच्छा अब बात सुने, अब आप हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में EPS जो है ना डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन की शामिल नहीं है। आपको एक आधे मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ ये असल में होती क्या है। भाई एक एंटिटी है, एक एंटिटी है, उसके ना 3 से 4 ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब क्या, वो AC भी बनाती है, वो लैपटॉप भी बनाएगी, वो क्या नाम है मार्कर भी बना रही है, ठीक है। ये 3 ऑपरेशन है, 3 एंटिटी ने सोचा, एंटिटी ने सोचा भाई ये मार्कर बनाने वाला जो मार्कर बनाने वाला सेगमेंट है ना हमारा, एक एंटिटी के 3 4 सेगमेंट्स हैं, उन्होंने कहा ये जो मार्कर बनाने वाला सेगमेंट है ना ये तो लॉस में जा रहा है कई सालों से, इसको क्यों ना बंद कर दें, इसको क्यों ना बंद कर दें, तो लॉस से तो कम से कम बचेंगे ना। अच्छा अब भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर ये डिसाइड किया, अब कहता है मिसाल के तौर पे ये प्रॉफिटेबल, तो सॉरी इस तरह मिसाल ले लें कि इससे जो प्रॉफिट आता ना वो तकरीबन कोई 25% आ रहा है इसको बनाने, एसी को बनाने से, और जो प्रॉफिट आ रहा है लैपटॉप्स का बनाने में उसमें तकरीबन कोई 20 से 22% है। जो मार्कर्स वाला है ना ये कभी 1% 2% कभी लॉस कभी कुछ कभी इस तरह, मतलब समझ नहीं आ रही इस क्या कहते हैं सेगमेंट से, कुछ समझ नहीं आ रही बातें इतनी। आपने डिसाइड कर लिया मैनेजमेंट ने कि इसको बंद करना है, क्या करना है, इसको कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस। मार्कर वाले जो ऑपरेशन है ये आपने क्या कर दिए भैया, बंद कर दिए, क्लोज कर दिए। अच्छा अब जो आपने 6 महीने तक चलाए ना अपने साल में, इससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया, उसको कहते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस। और कभी ऐसे भी हो सकता है कि लॉस फ्रॉम डिसकॉन्ट, दोनों दो, 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 दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब सुनिए बात, कहता ये जो अर्निंग्स है ना, अर्निंग्स पर शेयर डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की, डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशन समझ आए क्या होते हैं? असल में आप हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले था। अच्छा कहता इसको आपने अलहदा लाइन आइटम के तौर पे दिखाना होता है, या लिख लें अपने पास, शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली, लिख लें लिख लें, शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली। एक होता है डिसकॉन्टिन्यूड, मतलब इस वाले ये जो ऑपरेशन डिसकॉन्टिन्यू हो गए ना, इसकी अर्निंग पर शेयर इतनी है, और जो कॉन्टिन्यूड है उसकी क्या उसका नाम है, अर्निंग पर शेयर इतनी है, ताकि देखे ना भाई, वैसे लॉजिकली समझ लें आपके सिलेबस में तो नहीं है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता चले आपने एवं बिला वजह मुंह उठा के तो नहीं बंद कर दिया इस इन ऑपरेशंस को, हालांकि इनकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी खासी है, आपने एवं मुंह उठा के इनको बंद कर दिया, ठीक है। जो कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस है उनकी अर्निंग है 2.5, डिसकॉन्टिन्यूड की अगर 3 हुई तो आप पागल इसको बंद करने लगे हैं, तो शेयर होल्डर्स का सवाल हो सकता है ना। हाँ हो सकता है और भी कुछ वजूहात हों, लेकिन इसलिए आपने इन दोनों को सेपरेटली दिखाना है, समझ आई भाई? तो ये वाली स्टेटमेंट सही है 2, और 1 वाली फॉल्स से बता दें, जिसमें ये लिखा है वो स्टेटमेंट बता दें। जी बीटा, अब पेपर में देखें इधर भी 13 भी वही है, 14 में भी बीटा ही आ रहा है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो पेपर में क्या फिर यही तुक्का लगाना है कि भाई जिसमें ये इस तरह आएगा तो फिर वो बी हुआ करेगा, फिर वो भी तुक्का लगाएगा।
जब वो मजाक करेगा ना तो फिर खान जी सहा नहीं जाएगा तुमसे, अपनी बारी तुम इस तरह कर रहे हो जी। कहता है जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एज एज पर जी, ये एग्जाम्पल दी है, ये एग्जाम्पल ही थी, मार्कर वाले ऑपरेशंस बंद कर दिए, ये एग्जाम्पल है। एक एंटिटी के 3 से 4 ऑपरेशंस हैं, ठीक है, 4 काम करती है, एक मार्कर बनाती है, एसी बनाती है, लैपटॉप्स बनाती है, मार्कर वाले बंद कर दिए। तुम्हें मार्कर पसंद नहीं है, तुम एसी बनाना बंद कर दो, अगर वो भी नहीं तो लैपटॉप तोड़ तोड़ के लैपटॉप वाले ऑपरेशंस बंद कर दो, ठीक है। अच्छा जी 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 बंद कर दिया ना, डिसकॉन्टिन्यूड हो गया, परमानेंटली बंद हो गया, अब मार्केट्स नहीं बनाएंगे। चलें, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, और भाई इधर देख शरी यार अफरीदी साहब इधर देखें, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। चलें, कहता विच टू ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स मस्ट बी डिस्क्लोज एज पर IAS 33 अर्निंग पर शेयर। कहता कौन सी दो चीजें ऐसी हैं जो लाजमी आपने डिस्क्लोज करनी है। कहता फोरकास्ट अर्निंग्स पर शेयर फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। नहीं भाई, हमने कभी ऐसे कहा कि 2021 कितनी है, 22 कितनी है, 23 24 की, शायद इतनी हो, एक्सपेक्टेड इतनी। फोरकास्ट को कहते हैं एक्सपेक्टेड, फोरकास्ट का मतलब क्या होता है कि भाई शायद एस्टिमेटेड बेसिस पे शायद कल बारिश हो जाए, ये फोरकास्ट होती है, अंदाजा होता है, अंदाजे में दूसरे नहीं हम बताते। IAS 33 में कहता है ए 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर। भाई आज तक हम मैंने कभी कहा हमने सवाल करना जिसमें अगले 5 सालों का ट्रेंड बनाना है, तो ट्रेंड तो बहुत और भी बन रहे हैं, तो हम क्यों बनाएं फिर। चलें सी और डी, कहता था वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स यूज्ड टू कैलकुलेट। हमने डिस्क्लोजर का सवाल किया था, आई कैप के एग्जाम्पल थी किताब के अंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा हमने इसका डिस्क्लोजर दिया था, वेटेड एवरेज का, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का हमने डिस्क्लोजर दिया था, और भाई बेसिक और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का भी डिस्क्लोजर देना है हमने, वो आपके सामने ही है, इनके डिस्क्लोजर आते हैं भाई। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द टर्म डाइल्यूशन इज आर करेक्ट और फॉल्स। जी चलें जी चलें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू टर्म डाइल्यूशन। अच्छा भाई डाइल्यूशन का मतलब कहता क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब भाई इधर सुन, ओ बेटा वाह, ओ भाई बात सुनो, बात सुनो, डाइल्यूशन का मतलब लॉस नहीं होता कभी भी, डाइल्यूशन का मतलब कभी भी लॉस नहीं होता, डाइल्यूशन का मतलब होता है अर्निंग्स जितनी हमने कमाई है ना वो कम हो जाएंगी, वो कम हो सकती है, वो एक पॉसिबिलिटी है, लॉस नहीं होता कि इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर पे लॉस हो सकता है, ये इसका मतलब नहीं होता कि शेयर्स पे लॉस हो गया हमें, अर्निंग पर शेयर पे लॉस होना कुछ और चीज है, शेयर पे लॉस होना कुछ और चीज है, ये बात समझिए। शेयर पे लॉस होने का मतलब क्या, आपने 15 रुपए का शेयर खरीदा और आज इसकी मार्केट वैल्यू 11 रुपए है, ये है शेयर पे लॉस होने का मतलब, अर्निंग पर शेयर पे लॉस होने का मतलब कुछ और है। पिछले साल आपकी अर्निंग थी 3.5, इस साल एंटिटी की अर्निंग है 3.2, ये है अर्निंग पे लॉस होने का मतलब। और अर्निंग का फॉर्मूला है एक अपना, पैट माइनस डिविडेंड है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, डिवाइड हमने कर देना है मेरे भाई उसमें से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वो कुछ और चीज है, ये कुछ और चीज है। कहता ए रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइल्यूशन, हमने कहा बिल्कुल बिल्कुल मिसाल है उसकी। कहता ए रिडक्शन इन लॉस पर शेयर, नहीं भाई लॉस तो कुछ और चीज है, समझा दिया, मिसाल लिख लें अपने पास, ये कुछ और चीज है भाई। तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन अगर ये वाकई यही हो, मैंने फिर समझना बी होता है हमेशा, स्टेट है स्टेटमेंट वहां चले तो देखा, फिर तुक्का नहीं लगाना कभी भी। तो स्टेट, अच्छा अगर पेपर में ना पता चल रहा हो फिर क्या करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100, भाई वो डी आ रहा है, फिर वो डी आ रहा है, डी नहीं आ रहा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरा 100 आ। तो हर दफा पता नहीं आपको चलेगा किस पे आके 100 को लंबा करना है आपने जी, वो भी फिर करेगा कुछ, वो अगली दफा दोबारा आपको बुलाएगा, वो अगली दफा फिर आपको दोबारा बुला लेगा ना, तो इस तरह नहीं करना भाई, कॉन्सेप्चुअली चलना है जी। अच्छा जी, व्हाट इज एएल डाइल्यूटेड ईपीएस, एएल की डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में गुफ्तगू करवा रहा है। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 या 15 या 25 जो भी है,
डायल्यूटेड के बारे में करवा रहा है, जहन को घुमाई ऐसे करके, उसके सर पे ना मार दी भाई। डायल्यूटेड का मतलब क्या है? डायल्यूटेड का जो वो भी नहीं तुझे आता होगा, डायल्यूटेड बॉन्ड्स इस तरह कुछ होता था। डायल्यूटेड सॉल्यूशन, तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। चले चले इधर आए, चले चले चले। कहता है एल, अच्छा भाई डायल्यूटेड में, डायल्यूटेड में क्या करना है? हमने ना जो कन्वर्टेबल हुए उसका भी इम्पैक्ट लेना है पैड पे भी, और पैड पे भी और अर्निंग्स वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स पे भी। हाँ एक बात जरा गौर से सुन लें, पैड का इम्पैक्ट नहीं आएगा शेयर ऑप्शन के केस में, ऐसे ही है। भी देखें यार, वो करते बंद कर देना वो। हाँ जी चलें जी। एल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते जी शो अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 20 मिलियन। जी प्रॉफिट कितना है जी? 20 मिलियन ऑन फर्स्ट एंड 2005। एल ने कितने शेयर इशू कर दिए हैं जी? 4 मिलियन। अच्छा कहता है देयर वर नो न्यू इश्यूज ऑफ शेयर्स इन द ईयर, बट कहता देयर वर 1 मिलियन आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस, ऑप्शंस की बात हो रही है, टू बाय शेयर्स फॉर ₹30 ईच। कहता जी फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2005 द एवरेज मार्केट वैल्यू ऑफ एल शेयर वॉज कितना जी? 50। कितना जी? 50। अब बात सुननी है, हमें शेयर्स के केस में क्या करना होता है जी? मुफ्ते वाले शेयर्स चाहिए होते हैं। आप इधर देखिएगा जरा गौर से, 1 मिलियन शेयर्स हैं जी, 1 मिलियन ही है ना भाई? जी 1 मिलियन शेयर्स हैं भाई, इसमें से कुछ हैं जी फ्री वाले और कुछ हैं पेड। हमें कंसर्न इसके साथ तो है ही नहीं बिल्कुल भी, हमने तो कौन से वाले शेयर्स ऐड करने हैं वेटेड एवरेज में? डायल्यूटेड के लिए हम करेंगे जी 1 मिलियन शेयर्स, इसे 1000 में कर लेते हैं ज़्यादा आसानी से बात समझ आ जाएगी, डिवाइडेड बाय भाई मार्केट प्राइस 50 है। पिछले सवाल में वो देखें हमने 45 ली थी, मल्टीप्लाई बाय 36 किया था, मल्टीप्लाई 9 किया था जो मुफ्ते वाले थे। इसमें मेरे भाई मुफ्ता क्या है? 50 माइनस 30, 20 रुपया मुफ्ता है इसमें जी। बोले कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 मिलियन में से? 4 लाख, यानी 0.4 मिलियन, और ये 0.6 मिलियन। तो भाई ये 0.4 मिलियन ऐड हो जाने हैं बेसिक ईपीएस के अंदर, ठीक है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। तो ये आ जाएंगे 4.4 मिलियन, और पैट से डिवाइड करते हैं इसे, 20 मिलियन डिवाइडेड बाई 4.4 करें, क्या आता है जवाब? ये आ गया 4.54 समथिंग आएगा जी। कहता जी व्हाट इज द बेसिक ईपीएस? कहता है बेसिक ईपीएस के बारे में भी गुफ्तगू करें और डायल्यूटेड ईपीएस के बारे में भी करें, तो जरा देख के सवाल सॉल्व करेंगे। कहता नेट प्रॉफिट है जी 10.5 मिलियन और ऑर्डनरी शेयर्स हैं 6 मिलियन जी। ये है जी पैट और ये है 6 मिलियन नॉर्मल शेयर्स। कहता जी सबा लिमिटेड है इशूड। अच्छा पहले मुझे बताएं बेसिक ईपीएस निकाल दें जल्दी से, 10.5 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब है ये वाला ए गलत, ए बिल्कुल गलत, उसके अलावा सी भी गलत है, बी और डी में से कोई जवाब होगा इसका। अच्छा अब हमने डायल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, अब डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर देखना क्या है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, प्रेफरेंस रिडीमेबल हैं, शेयर्स रिडीमेबल हैं, या फिर क्या कहते हैं ऑप्शंस हैं। अच्छा कहता है जी कन्वर्टेबल बॉन्ड है, क्या है भैया? भाई इधर देखना ना, इधर देखना, अब समझाने दो ना मुझे। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड वो जो टेबल मैंने सुबह बनाया था, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट भी आता है उसका और इम्पैक्ट ऑन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स भी आता है उसका। अच्छा चलें, 10.5 है नेट प्रॉफिट पैट यानी, और भाई नंबर ऑफ शेयर्स हैं 6 मिलियन, इसमें भी कुछ ऐड होना है, इसमें भी कुछ ऐड होना है, इसमें पैट में क्या ऐड होना भाई? अगर ये बॉन्ड, बॉन्ड में इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा,
अगर ये शेयर्स इनमें पोटेंशियल है शेयर्स में कन्वर्ट होने का, अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो सर इस पे फिर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट फिर इस पैड के अंदर शामिल है, उसको ऐड बैक कर दें जी। कैलकुलेशंस आप करवाएंगे, शाबाश। 2.5 मिलियन शेयर्स हैं, सॉरी 2.5 मिलियन नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है किसकी, कन्वर्टेबल बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू। तो इधर देखिएगा, इधर देखिएगा भाई, 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, बोलें मल्टीप्लाई बाय 8%, ये बॉन्ड है, बॉन्ड है, बॉन्ड है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है रिडीमेबल जी। 30% टैक्स रेट दिया हुआ है, तो 30% भाई गलती, आप गलती क्या करेंगे, मुझे ये मसला है, गलती करेंगे आप इधर 30% से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट ऑफ टैक्स करना है आपने, आप इधर 70% करेंगे जी। बोलें 0.14। और सर इधर इधर आए जरा, इधर देखिएगा, कहता है जी, कहता है 2.5 तो वैल्यू है ना, ये 2.5 तो वैल्यू है, कहता जी जिसके पास, कहता जी अब 5 ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट होने हैं, 50 शेयर्स मिलेंगे फॉर ईच 100 बॉन्ड। कहता जी जिसके पास 100 रुपये का बॉन्ड है ना, उसे कितने शेयर्स मिलेंगे, वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 में। इसका मतलब है रेशो क्या बनी, रेशो क्या बनी, 2:1 भी कह सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं ना, 1:2 होनी है असल में, ये रेशो बनी, ठीक है। देखें ये 2.5 अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं, असल में सादा तरीका है, अगर मैं ये 100 रुपये डिबेंचर या बॉन्ड की वैल्यू है ना, अगर मैं इसे डिवाइड करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड ने कितने शेयर्स में कन्वर्ट होना है, 50 में। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जी। अब मुझे बताएं, शाबाश जी, एक मिनट भाई, आप मुझे ये बताएं ये कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, 1.25, ये 1.25 इधर ऐड हो जाएगा जाके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में। ये है इंक्रीमेंटल ईपीएस, इसको बोलते हैं, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है भाई, ये है इंक्रीमेंटल ईपीएस, ये क्या है, दिस इज इंक्रीमेंटल ईपीएस, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस है, ये याद रख लें, ये इंक्रीमेंटल, इसे सर्कल लगाया था जब हमने टॉपिक पढ़ा था ये, इससे मेरे भाई इंक्रीमेंटल ईपीएस भी कहते हैं। तो जवाब बता दें, 1.47 जी, 1.75 है बेसिक और 1.47। अच्छा अब आप ना नोट नहीं कर रहे मेरा ख्याल है चीज़ें, ये जी आप यहाँ तस्वीरें लिए जाएं, ये एंड पे फिर आपको समझ नहीं आनी चीज़ों की, या पिक्स ले लें या फिर क्या कहते हैं नोट कर लें, साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें नोट करते जाएं ये। अच्छा अब भाई ये इसका जवाब फिर क्या बना, इसका डेल्टा जवाब बना जी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता जी, व्हाट विल बी द रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर, ईपीएस रीस्टेटेड पूछ रहा है भाई, जरा तवज्जो से, ईपीएस कौन सी पूछ रहा है, रीस्टेटेड जी। रीस्टेटेड आपको पता है किन किन वजूहात की वजह से होती है, शेयर कंसोलिडेशन, शेयर बोनस शेयर्स, उसके अलावा शेयर स्प्लिट और राइट इश्यूज के बारे। कहता रीस्टेटेड पर शेयर बता, अर्निंग पर शेयर बता दें फॉर कंपेरेटिव पर्पजेज इन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपने मेरी बात गौर से सुननी है, रीस्टेटमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोले फैक्टर को रिवर्स करना पड़ता है, फैक्टर को क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। कहता जी ये मैरियम लिमिटेड मेड अ 1-for-3 राइट इशू, यानी जिसके बाद, इसका मतलब समझ लें क्या होता है, ये बहुत दफा सवाल में, सवालों में आ रहा है, 1-for-3 का मतलब जिसके पास 3 शेयर है उसे एक मिलेगा, ये उल्टा ना समझ लेना इसे, इतनी लूट सेल नहीं मची हुई। कहता ₹8, ₹8 वाइल द मार्केट प्राइस वॉज 22, ठीक है, आप इसको एनालिसिस करना पड़ेगा ना, इसका इसको कर लेंगे आप, इसकी एवरेज निकालना पड़ेगा आपको, अभी निकालना भी है। कहता द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज अर्निंग 4 की, 4 की अर्निंग्स हैं, और कहता देयर वर नो इशू, नो शेयर, नो इशूज ऑफ शेयर ड्यूरिंग द ईयर, कहता है इसके अलावा कोई और शेयर इशू नहीं हुए। अब इसको ना एनालिसिस करना पड़ेगा भाई, एनालिसिस मैं इधर देखें, मिसाल लेता हूँ, एनालिसिस करना है, मैं मिसाल लेता हूँ, मिसाल इधर देखिएगा आपके तसल्ली के लिए, मैं कहता हूँ जी एज्यूम करता हूँ 10 शेयर्स हैं, कितने हैं, और एक शेयर मिलेगा, तो पहले कितने थे बिफोर, देखे मैंने अपनी तरह से एज्यूम किया, मैंने क्वेश्चन को नहीं देखा क्या कह रहा है, मैंने आपको सिखाया भी है वो भी वो एक्सेल पे। इधर आता है न्यू जी, आफ्टर बता दें कितना है, 11 सर, ये इधर बताएं ये कितने का, मार्केट प्राइस 22 रुपये है, ये 16 पे इशू हो रहा है, ये 16 है और ये मार्केट प्राइस है 22 रुपये, इसका आएगा 220,
इसका आएगा 16, ये आ जाएगा 236। 236 को 11 से डिवाइड कीजिए, 20, इस तरह 21.45। अब भाई सुनिएगा, अब ये रीस्टेटमेंट है, रीस्टेटमेंट का मतलब पिछला साल। अब देखें, हमने हमने इधर किया था, फायदे वाली चीज ऊपर की थी अपने वाले साल में जब पीछे गए थे, और नुकसान वाली चीज नीचे। इधर उल्टा फैक्टर करना है, यानी 28/32। इसलिए मेरा मूड नहीं था वैसे एमसीक्यू अभी करवाने का, मेरा था कैश फ्लो के रेश पर। मैंने कहा यार अब सामने चीजें हैं तो ये फायदा होगा। अब हमें करना पड़ेगा 21.45 मल्टीप्लाई बाई 22, फैक्टर उल्टा करना है। ये चीजें याद रहेंगी, लिखी भी हुई हैं भाई, सॉरी मैं उल्टा तो नहीं बोल गया। हाँ, अर्निंग पर शेयर पिछले साल की अर्निंग इधर देख लें, इधर अर्निंग पर शेयर पिछले साल की क्या है भाई, बोलें 4 रुपीज़, कितनी है 4, मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई 21.45 से और डिवाइड कर दें 22 के साथ। जी 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 मैंने अज्यूम किया ना डाटा 1/3 है। अच्छा वो रेशो बदल दी है ना, सॉरी रेशो बदल जानी है ना, वो रेशो ही बदल गई असल में, वो रेशो असल में फिर इधर भी तो वो करना पड़ेगा ना। तो असल में फिर ये है कि आप ना क्वेश्चन के हिसाब से ही चलें, क्वेश्चन के हिसाब से ही चलें ज़्यादा सही है, वो रेशो बदल गई है। जी इधर कितना आएगा भाई, अच्छा 82, और इधर 20.5, हाँ वही ना 20.5 आता है। जी अब इधर देखिएगा, इधर आएगा भाई 20.5, ये रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट मतलब पिछला साल रीस्टेटेड हो रहा है, और उसने कंपैरेटिव का मतलब, कंपैरेटिव रीस्टेटमेंट का मतलब होता है पिछले साल की। जी बोलें शाबाश, नहीं जवाब 3.73। जी ठीक है, अच्छा एमसीक्यू से ना बंदे का जहन खुलता है, छोटी छोटी छोटे छोटे सवाल पक्के होना शुरू हो जाते हैं बंदे के, छोटे छोटे सवाल के होते हैं पक्के होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या था, व्हाट इज बेसिक ईपीएस, किसी ने ट्राई किए थे ये वाले एमसीक्यूज घर में, ये मैंने होमवर्क तो दिया था यार। व्हाट इज बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004, क्या था जी, ऑन 1 जनवरी 2004 समीर लिमिटेड के पास कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 3 मिलियन। ऑन 1 जून 2004 समीर लिमिटेड मेड अ 1/3 बोनस इशू। अच्छा ये वैसे हमें पता है कि इसका ना, इसने अर्निंग को बूस्ट नहीं करना। कहता ऑन 30 सितंबर 2004 सिमीन लिमिटेड देन इशूड अ फर्दर 1 मिलियन शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस। कहता सिमीन लिमिटेड हैड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डनरी, जी ये पैट है भाई। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004, ऐसा इसकी कैलकुलेशन करके देख लें, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो है ना 1 जून 2004 पे वन नया एक शेयर आ रहा है, ठीक है। अच्छा एमसीक्यूज में उसने हमें दो एमसीक्यू सामने आए हैं, और उसमें ये लिखा हुआ है कि ये अर्निंग को बूस्ट करने में मदद नहीं देते, इस पे हमने वेटेड एवरेज का इम्पैक्ट नहीं लेना। हाँ जी टाइम फैक्टर वाला, लेकिन एक बात सुनिएगा, हमने इसे पिछले सालों में एडजस्ट तो करना है, फिर भी हमें इसे पिछले सालों में एडजस्ट तो करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो हमने पिछले दो एमसीक्यूज किए हैं उसके अंदर ही एक लॉजिक छुपी हुई है। असल में इसका जवाब ये है कि इसने अर्निंग्स को बूस्ट करने में मदद नहीं करनी, उसने ना ही वेटेड एवरेज का फैक्ट लिया इधर इनमें, ना ही उनको पीछे लेके गया। ये बात समझें आप, इस इधर देखिएगा, पिछले दोनों सवालों में घर जाकर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 में आए, जब आपने सॉल्व करना है तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ऐसे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हुए आपने क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, और साथ इसका बोनस वाला फैक्टर भी लेना है, साथ इसके बोनस वाला फैक्टर भी लेना है, ठीक है भाई। जब आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई बात समझे कि नहीं समझे, और साथ ये बोनस वाला फैक्टर भी लेंगे आप, यानी रिवर्स भी करेंगे इसे। जब आपको कह दे बेसिक ईपीएस निकालनी है आपने बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे हम हमेशा करते आए हैं। एमसीक्यूज में वैसे पूछ ले तो आप उसे कह दीजिएगा कि ठीक है वेटेड एवरेज बोनस इशू जो है ये अर्निंग को चूंकि बूस्ट नहीं करते, ठीक है इसलिए क्या कहते हैं इसे वेटेड एवरेज, इसे बेशक ना करो। दो सवाल पड़े हैं इस तरह के हमने,
ठीक है जी, हमने हमेशा इसको रिवर्स बैक भी करना है। रिवर्स बैक का मतलब पिछले साल, पिछले या हमारे वाले साल से पीछे के जितना टाइम पीरियड है उस पे इसको, इसका टाइम फैक्टर भी लेना है। सॉरी, इसको फैक्टर बोलते हैं सिर्फ। और साथ क्या करना है भाई, एक और काम भी करना है, बोले शाबाश। इसको 4/12 भी, फ्रैक्शन भी इस्तेमाल करनी है कैलकुलेशंस पर्पस के लिए। बात समझे हैं भाई? अच्छा, अब आ जाए इधर। सेवन ये कर लेंगे ना? अच्छा, ये अब सारे तकरीबन एक जैसे ही हैं। अब 6 पे आइएगा। कहता व्हाट इज़ द बेसिक ईपीएस, कहता बेसिक ईपीएस बता दें। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल हो ही आएगा। ये दो सवाल बिल्कुल सेम है, 5 और 6 दोनों सेम है, मैं एक करवा देता हूँ। चलो, कहता जी ऑन 1 जनवरी 2006 2.4 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स हैं, 1 अप्रैल पे क्या हुआ? अच्छा, ये एनालाइज करना पड़ेगा आपको। एनालाइज करेंगे ना जब आप 1 अप्रैल पे, तो 1 अप्रैल के बाद 9/12 करना पड़ेगा, उससे पहले 3/12 टाइम फैक्टर में, ये याद रखिएगा। अच्छा, लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तो नया शेयर जो इशू हो रहा है वो 14 पे हो रहा है और जो मार्केट प्राइस है वो 20 है, तो ये आपको पता है एवरेज आ जाना है। फिर कुछ क्या आएगा भाई, आप इस तरह कीजिएगा ना, ये देखिएगा 2.4 पहले हैं, ठीक है। एक मजीद इशू हुआ, कितना हुआ? कहता जी 1 for 2 right, कहता जिसके पास ना दो दो शेयर उसे एक मिलेगा, तो इधर 1.2 आएगा मेरा ख्याल है। इधर क्या आएगा? कहता मेड अ 1 for 2 right इशू, मेड वन, इसका मतलब एक इशू, एक राइट दिया गया है, एक राइट इशू दिया गया है दो के बदले में, जिसके पास दो हैं, तो इस तरह हो जाएगा ना, 1.2 हो जाएगा फिर ये 3.6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? इधर आएगा भाई 20, इधर कितना आएगा? अब कितनी दफ़ा ये कैलकुलेशन की, आप तो रट जानी चाहिए जी, बोलिएगा। इधर इधर जी एवरेज बताओ, 64.83 / 3, 18, ठीक है भाई। हमें क्या निकालना है भाई, बोलिएगा। बेसिक ईपीएस निकालनी है ये। अब आपको पता है, अब ये वाला फैक्टर इस्तेमाल करना है 20/18 वाला, ये कर लेंगे, बेसिक ईपीएस निकाल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह निकलनी है, ये कर लेंगे। दिखा दूं एक दफ़ा सोल्यूशन, ये लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन देख लें एक दफ़ा। ईपीएस निकालते हुए ये फैक्टर निकालना जी, वेटेड ईपीएस एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हुए ना, जब जब जिस जब वो हमें कैलकुलेशंस में डाल देगा ना बेसिक ईपीएस की, तब हमने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हुए ये काम करना ही करना है। आप देखें इधर, इधर देखें भाई, ये 9/12 इधर आके 3.6 हो गया था जो हमने किया, इसने अर्निंग का बूस्ट करने में 9/12 9 महीने मदद की, इसने 3/12, लेकिन ये 20/18 का फैक्टर ना भूलिएगा कभी भी, अब तो चीज़ें याद हो जानी चाहिए वैसे ही जी। और 5 बिल्कुल इसी तरह का ही है। अब 4 पे आ जाएं ज़रा, 4-5 मिनट में इंशाल्लाह ब्रेक करते हैं जी, नमाज की। कहता जी मो हैं? इधर इधर इंशाल्लाह नमाज पढ़। कहता जी मैंने एनालिस्ट बिलीव दैट द ट्रेंड ऑफ ईपीएस इज अ मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द साल। बिल्कुल सही बात है, ये गलत तो नहीं है भाई। जब नेट प्रॉफिट होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट क्या है? मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ईपीएस ज़्यादा अच्छी है। हाँ, इसमें लिमिटेशंस भी हैं, इसमें लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छी मेजरमेंट है। अच्छा, कहता है नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बिल्कुल सही बात, लिमिटेशन में पढ़ा है हमने। कहता है ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज, ये पढ़ रहा हूँ, मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड, वेयर एज नेट प्रॉफिट डजंट। कहता जब नए शेयर्स आते हैं तो उसका अर्निंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, अर्निंग पर शेयर्स, और कैश इनफ्लो भी होता है, तो कहता है ये ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको ज़रा स्किम करना है आप लोगों ने, इस लाइन को। ईपीएस टेक इनटू अकाउंट द एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश। कहता जब कैश पे इशूज करेंगे ना शेयर, फिर वो अर्निंग को बूस्ट करेंगी। फॉर कैश का लफ्ज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, सही है, तो ये इसका जवाब बनता है। इसको ना थोड़ा सा आपने याद करने की, इस लाइन की कोशिश करनी है, ये बहुत अच्छी लाइन है, कहीं ना कहीं थ्योरी आ गई तो ये लाइन उसके अंदर फिट हो सकती है। इसके बाद आए 3 पे, कहता जी हानिया लिमिटेड हैज़ करेक्टली कैलकुलेटेड बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द करंट ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी एडिशनली कंसिडर।
व्हेन कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ हानिया लिमिटेड फॉर द ईयर। कहता है वन फॉर फाइव राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर एट ₹12 व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। अच्छा भाई देखें, डायल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में ये तो नहीं कंसिडर करने की जरूरत, ये तो नहीं, हम राइट राइट के बारे में तो हमने कभी भी नहीं देखा। हाँ तीन चीजों के बारे में देखना है, तो रटी हुई है आपको। कहता है द इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। जी भाई इसके बारे में क्या ख्याल है भाई? ये इधर देखना, द इशू ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गया, ये ड्यूरिंग द ईयर कन्वर्ट हो गया। अब डाइल्यूटेड में नहीं, इसका डाइल्यूटेड के बारे में ना सोचें, इसमें इशू ड्यूरिंग द ईयर। इधर देखें, इधर सुनिए बात गौर से। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी एडिशनली कंसिडर व्हेन कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटेड ईपीएस ऑफ हानिया लिमिटेड फॉर द ईयर। डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में बात करता है, दोबारा पढ़ लेते हैं। राइट इशू के बारे में तो आपको पता है बिल्कुल गलत बात होगी ना, ये बात सही नहीं है। कहता जी द इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर। अच्छा इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो भाई इसके बारे में हम देखेंगे इम्पैक्ट। कन्वर्टेबल के बारे में हम देखेंगे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं, द इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इंटू शेयर्स लिख लेना फिर आगे। जी करेंगे भाई इंटू शेयर, अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट होने की ताकत रखते हैं, पोटेंशियल है, तो भाई बिल्कुल करेंगे। अगला पढ़ लें। कहता एक इशू ऑफ डायरेक्टर्स शेयर ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस की बात कर रहा है, एक्सरसाइजेबल इन 3 सालों के अंदर अंदर। तो भाई इधर एक बात सुन लें, ये तो हमने लाजमी कंसीडर करना है। और एक बात सुन लें, जब तक बच्चों, अभी मेरे से किसी ने सवाल पूछा था, सर हम इसे 2021 में भी, मिसाल के तौर पर 21 में शेयर ऑप्शन दिए, तो किसी ने सवाल पूछा था सर 21 में भी कंसिडर करेंगे, 22 में भी करेंगे, 23 में भी करेंगे? जी बिल्कुल तीनों सालों में करेंगे, ठीक है। ये पीछे वाला सवाल देख लीजिएगा, उसमें हमने दोनों सालों का इंपैक्ट लिया हुआ है। कहता इक्विटी शेयर्स इशू ड्यूरिंग ईयर एज द परचेज कंसिडरेशन, नहीं नहीं ये तो नहीं है, ये तो बातें ही कुछ और हैं। तो भाई इसका जवाब क्या बना? 2 और 3 बनता है, ये अच्छा एमसीक्यू था डाइल्यूटेड के बारे में। कहता ज़ाहरा लिमिटेड बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड है जी 6 per share, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द ईयर, ये शायद मेरे ख्याल थोड़ा मिस्टेक है ना, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2002 वुड रिजल्ट इन रीस्टेटेड कंपेरेटिव। अच्छा लेकिन अगली बात भी पढ़नी है, ऑफ मोर देन सिक्स। अब मेरी बात सुन लें, आप पेपर में जुगाड़ लगाने नहीं बैठ जाना कि चारों की कैलकुलेशन करें, याद रखना, ये मैंने आपको नोट भी लिखवाया, उर्दू में भी लिखवाया था, सिर्फ एक ऐसा, चार चीज़ें हैं जो रीस्टेटेड करती हैं। अच्छा बच्चे ना कंफ्यूज कर देते हैं रीस्टेटेड को डाइल्यूटेड के साथ। डाइल्यूटेड में 3 चीज़ें हैं, लिख लें बेशक अपने पास, चले समरी अब बना ही रहे हैं तो बना ही लेते हैं फिर, समरी बना ही रहे हैं। डाइल्यूटेड में सुबह तस्वीर ले ली थी आपने, रीस्टेटेड में तस्वीर ले लें, डाइल्यूटेड में आपने सुबह तस्वीर ले ली थी। अब भाई इन्हें ना संभाल के भी रखना है, ये मोइस ने C8 में बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, इसने कहा था सर मैं क्या करता हूँ, मैं पिक लेता हूँ और अपने नंबर मैंने सेव किया हुआ अपने पास, उसी में ही मैं फिर उसे पिक्स डालता रहता हूँ, मतलब कि उधर मैं पिक लेके उधर मैं सेंड कर देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। वो बंदे को ना फिर चीज़ें याद रहती हैं कि यार ये एक ही नंबर है, इधर ही सारी चीज़ें, मेरे पास पूरा डेटा मेरा इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। मीडिया में जाएँ, सारी चीज़ें उधर आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल होंगी जी। और भाई इसका बड़ा फ़ायदा होता है, तो आपने ये जितनी भी पिक्स है ना किसी एक जगह पे सेव कर लें, एंड पे फायदा देंगे, वरना तो समझ ही नहीं आनी फिर। डाइल्यूटेड ईपीएस लिखी तो जा रहे हैं, फर्म में सीनियर होता था ना, वो कहता था ये भाई ये फलाना काम कर लो, हमने कहा जी सर कर मैं कर दूंगा, 2 दिन के बाद उससे उसने पूछना भाई ये काम कर दी है, हमने कहा ना हाँ जी सर मैंने नोट किया हुआ है। भाई देखें, एक है नोट करना, एक है काम को करना, नोट करने से काम थोड़ी होगा, आपने नोट तो कर लिया लेकिन इसको रिवाइज भी करना है अब, ठीक है। सर जी मैं नोट कर लिया, नहीं सर बोलते हैं, नहीं सर नहीं बोले, अच्छा चलें आए भाई आए, रीस्टेटेड। अच्छा भाई रीस्टेटेड, अब भैया ये रीस्टेटेड जो है ये बात सुनिएगा, रीस्टेटेड कितने केसेस में होता है, इधर देखनी है बातें गौर से ज़रा, बोनस शेयर के केस में भी, चिमे होश कर होश, बोनस शेयर के केस में,
फिर उसके बाद भाई शेयर कंसोलिडेशन, यस सर। फिर उसके बाद भाई शेयर सप्लिट। अच्छा ये जो तीन है ना इनमें सिमिलैरिटी है, ये उसमें कहीं नहीं जाते उस उसमें, ये फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होते हैं ये मुफ्ता। अच्छा एक इसके अंदर एक और चीज भी आ जाती है, वो होती है राइट इशू, डाइल्यूटेड में चीज में बॉन्ड जाते हैं, डिबेंचर बॉन्ड्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जाते हैं, तीसरा ऑप्शंस जाते हैं। तो यही मैं देखा, मुझे पता है ना मसलों का, मुझे पता है ये मसले हैं आपके साथ, तो इसीलिए ये मैं करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ ये, इसीलिए ये चीज़ें मैंने कहा था एंड पे इंशाल्लाह करेंगे एमसीक्यू इस तरह और कुछ अच्छे कुछ सवाल, ये इसीलिए छोड़े हुए थे क्योंकि तो भाई एंड के लिए अभी चीज़ें भी रखनी है कि नहीं रखनी। अच्छा भाई ये जो है ना ये फ्री वाले नहीं होते, ये पेड होते हैं, ये इन इन चारों के केसेस में रीस्टेटमेंट होती है, ये एमसीक्यूज पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है भाई। कई दफ़ा वो पूछता है डायल्यूटेड पे किन किन चीज़ों की वजह से फ़र्क पड़ना, तीन चीज़ें हैं, डिवेंचर और बॉन्ड्स की मैंने बताया था ये तकरीबन समझे एक ही चीज है। फिर पूछता है रीस्टेटमेंट किस किस केस में आनी है, रीस्टेटमेंट में इसमें डिल्यूटेड वाला भी एक इम्पैक्ट, एक कोई शेयर ऑप्शन ले लेना, आपने कहा इसमें भी आती है, ये भी सुना सुना सही लग रहा है, उसने भी कहना फिर सुना सुना है। हाँ जी चलें फिर मेरे ये गौर से आप देख लें भाई, ये पिक लें, ठीक है डन। चलें आप इधर देख लें, और भाई इधर देखें, इधर और इधर देखें, इधर इसके नीचे नोट कर लें, इनके केस में रीस्टेटमेंट होनी ही होनी है, जल्दी लिखें लिखें ऑलवेज रीस्टेटमेंट। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, अब मैं लिखने लगा हूं रीस्टेटमेंट तो होनी है, डिक्रीज किस में होनी है अर्निंग पर शेयर, इधर देखिएगा इसमें भी डिक्रीज, इसमें भी डिक्रीज, इसमें भी डिक्रीज, शेयर स्प्लिट और कंसोलिडेशन के बारे में बताएं क्या क्या होगा भाई। स्प्लिट में क्या होती है सुनिए बात, स्प्लिट में पहले आपके पास चार शेयर थे, अब ज्यादा हो गए हैं, अब छह हो गए हैं, सात हो गए हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी डिक्रीज होगा, सिर्फ कंसोलिडेशन में इंक्रीज होनी है। बस अब इसको याद कर लें, अब इसको इसको सूल बनाएं, और पेपर में जाके बिल्कुल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये है प्रूव करने की जगह, ठीक है भाई। देखें ये इन चार की वजह से ना रीस्टेटमेंट होनी है, ये जब भी आ जाएंगे तो पिछला साल रीस्टेटेड होगा, पिछला साल रीस्टेटेड होगा। अब सवाल ये है अगला कि रीस्टेटेड तो होना, अर्निंग पर शेयर रीस्टेटेड के केस में अर्निंग पर शेयर किस किस केस में बढ़नी है, किस में कम होनी है, तो मैंने बताया ये तीन के आगे मैंने डी लिखा, इनमें क्या होनी है डिक्रीज, और जिसके आगे आई लिखा इसका मतलब इंक्रीज होनी है, ठीक है। अब इसको याद कर लो बस इस बात को, इधर बताओ जवाब क्या बना फिर, शेयर स्प्लिट, और इसे ना शेयर स्प्लिट भी कहते हैं, शेयर कंसोलिडेशन है, हाँ रिवर्स शेयर स्प्लिट, सॉरी मैं कहूँ ये कि इधर भी शेयर स्प्लिट इधर भी शेयर स्प्लिट, भाई इसे ना रिवर्स शेयर स्प्लिट भी कहते हैं, लफ्ज आधे रिवर्स शेयर स्प्लिट, आपने समझ आना शेयर कंसोलिडेशन की बातें हो रही हैं भाई। देखें यही जवाब है, चलें एक रह गया बस, कहता जी व्हाट वाज डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस के बारे में गुफ्तगू करनी है। कहता अनम लिमिटेड हैज 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थ्रू आउट द ईयर, ऑन 1 जुलाई इट हैज इशूड 2 मिलियन 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये इसमें पोटेंशियल है ये डाइल्यूटेड में इस्तेमाल होगा। कहता जी ईच ऑफ 100 ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इंटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स। अब बात सुननी है भाई, 2 मिलियन है ठीक है, 2 मिलियन क्या है कन्वर्टेबल डिबेंचर, रुपीज 2 मिलियन लिखा हुआ है, रुपीज 2 मिलियन लिखा है, ये अमाउंट है, इधर देखेगा रुपीज, ए भाई इधर देखना, इसका मतलब है 100 रुपये का डिबेंचर कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, 8 में बेटा, 2 में नहीं 8 में, 8 में, उठ जा सुबह हो गई है, 8 में, इसका मतलब है 2 मिलियन, 2 मिलियन, और ये कितना है, एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बने, 20,000, 20,000 डिबेंचर्स हैं,
20,000 डिबेंचर्स जो हैं भाई, ये कितने ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? 8 में। तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हो गए? 8 हैं ये, देख बेटा 8 हैं, 8 हैं ये, इंटू 8 ऑर्डिनरी शेयर्स, हमेशा ऐसे निकालते हैं जी। कितना आया है? 160,000 जी। वेटेड एवरी नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज आया 160,000 का। और भाई इधर इधर बेसिक ईपीएस अगर मैं निकालता तो मैं क्या कहता, मैं कहता जी ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10, पैट बताएं कितना है? पैट कहता आफ्टर टैक्स है जी 1850, ठीक है भाई, सॉरी ये मिलियन है ना, ये 1 मिलियन है, मैं 1000 में क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं डाइल्यूटेड ईपीएस का फैक्ट बता दें, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल ईपीएस। जल्दी बोलना जल्दी, अभी कैलकुलेट किया भी हुआ जी। इधर देखिएगा जी, कहता जी 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6% जी बोले। और साथ ये भी कर रहे हैं, साथ कहता कब, 1 जुलाई 2002 की बात कर रहे हैं, कुछ 6/12 करना पड़ेगा कि नहीं, टैक्स का रेट भी लगना है, शाबाश जी। कितना? 0.7 टैक्स का रेट भी लगना है। ये डिबेंचर हैं भाई, ये डिबेंचर्स हैं, क्या हैं जी, कितना आता है जल्दी बोल दो जल्दी भाई। इसमें इसने 6/12 नहीं किया हुआ मेरा ख्याल है, 84। और इधर नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ने हैं अभी करके आए हैं, 160। इसने इधर भी 6/12 नहीं किया, इधर भी 6/12 नहीं किया। चलें बता दें भाई कितना आता है, ये कैलकुलेट करके बता दें कितना, 1.67। पीएचडी वाला सवाल लाजमी अटेम्प्ट कीजिएगा, उसमें क्या है जी, क्या है इसमें? भाई 14 में क्या इशू है जी? अगर आप उसने कहा कि बेसिक और डेल्यूटेड जैसे आज हमारी सेम है जी जी, इक्वल है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, किसको क्या करेंगे सर? ये टाइम और क्वेश्चन तो कितनी आएगा भाई? वो आज हमने जो क्वेश्चन किया ना चचीमा भाई, वो हमने ये क्वेश्चन किया था कि हमारी एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा थी, हमारी एक्सरसाइज प्राइस किससे ज्यादा है? मार्केट प्राइस से। इसलिए डाइल्यूटेड का जो अभी हमने लेटेस्ट ये वाला क्वेश्चन किया ईपीएस का, इसमें डाइल्यूटेड में इसलिए फ़र्क नहीं आया, हमारी एक्सरसाइज 2021 में 22 में आया फ़र्क, 21 में इसलिए नहीं आया कि हमारी डाइल्यूट, हमारी जो है एक्सरसाइज प्राइस वो ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, इसलिए हम उसका, मैंने नोट भी लिखवाए हैं, आप क्लास में काफ़ी लेट आए हैं ना, ये नोट भी मैंने लिखवाए हैं सारे उर्दू में, ये आप इनसे नोट कर लीजिएगा जी, लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है वो ले लीजिएगा, इसमें मैंने नोट भी 2-3 लिखवाए हैं किस वजह से नहीं आया, ठीक है। चलें जी भाई, ये वाला लेक्चर ख़त्म, अगले लेक्चर में कैश फ्लो का सवाल करना है।